तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप वजीर एक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप वजीर एक्स में से अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में किस प्रकार से भेज सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना बैंक अकाउंट आपको चेक करा देते हैं, जिस अकाउंट में हमारे वजीर एक्स से पैसे आने वाले हैं उस अकाउंट में कितना बैलेंस है हम आपको यह दिखा देते हैं। और दोस्तों, विड्रा करने के बाद उस अकाउंट का बैलेंस चेक कराएंगे कि विड्रा आपको कितनी देर में मिलता है और मिलता भी है या नहीं। दोस्तों, हम आपको लाइव दिखाएंगे। दोस्तों, यह देखिए, हम अपने स्मार्टफोन में फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और आपको बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों, यह देखिए, हमने फ़ोनपे ओपन कर लिया है। अब बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वजीर एक्स से जिस अकाउंट में पैसा आएगा उस अकाउंट में सिर्फ 37 रुपये पड़े हैं। तो दोस्तों, हम विड्रा करने के बाद इसका बैलेंस चेक करेंगे और उसको लाइव दिखाएंगे कि कितनी देर में विड्रा आ जाता है। तो दोस्तों, हम अपनी वजीर एक्स की एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, यह देखिए, और लास्ट में फंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यह देखिए, आपको फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लास्ट में जो दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आपके फ़ंड की जानकारी मिल जाएगी कि आप कितने फ़ंड को यहाँ पर विड्रा कर सकते हैं और कितने फ़ंड की आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी है। दोस्तों, यह देखिए, जो 2503 रुपये आपको INR दिख रहा है, इस फंड को आप विड्रा कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर हिस्ट्री आ जाएगी। जो ग्रीन ग्रीन है, हरे हरे कलर के, ये हमने डिपॉजिट किए हैं, और जो रेड रेड है, ये हमने विड्रा किए हैं। दोस्तों, हम विड्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विड्रा करने के लिए कुछ जानकारी आ जाएंगी कि आप अपने अमाउंट को किस प्रकार से विड्रा करना चाहते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन हैं। अगर आप पहले वाले ऑप्शन से विड्रा करते हैं तो आपका विड्रा आपके अकाउंट में 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, पर आपको कम से कम 500 रुपये का अमाउंट विड्रा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये अपने अकाउंट में भेज सकते हो। और दोस्तों, एक दिन में आप 1 लाख रुपये भेज सकते हो। इसकी जो फीस कटेगी वह 20 रुपये की पर एक ट्रांजेक्शन पर कटती है। जैसे आपने 5000 रुपये भेजे तो दोस्तों आपके 4980 रुपये अकाउंट में जाएंगे और 20 रुपये की फ़ीस कट जाएगी। दोस्तों, जैसे कि 2500 रुपये भेजे तो 2480 रुपये अकाउंट में जाएंगे और 20 रुपये की फ़ीस कट जाएगी। और दोस्तों, आप दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, नेफ्ट विड्रा पर, तो दोस्तों इसमें भी कम से कम 500 रुपये आप भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये पर एक ट्रांजेक्शन पर। और दोस्तों, आप एक दिन में इससे भी 1 लाख रुपये ही भेज सकते हैं। अकाउंट आता है बैंक अकाउंट में, वह 30 मिनट के अंदर आ जाता है अधिकतर। लेकिन दोस्तों, अगर आपका बैंक सर्वर थोड़ा डाउन है तो उसमें आपको एक दिन भी लग सकता है या कुछ टाइम भी लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका विड्रा 1 मिनट में आ जाएगा। तो हम ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इंस्टेंट विड्रा पर, हमारे सामने अमाउंट डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है। अब हम जितना अमाउंट अकाउंट में भेजना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। दोस्तों, हमने 2500 रुपये यहाँ पर डाल दिए हैं और रिमार्क में आप अपना नाम या कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर विड्रा डाल देते हैं। अब दोस्तों, आपको नीचे रेड कलर में विड्रा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने विड्रा कन्फर्मेशन आ जाता है। दोस्तों, ये देखिए, 20 रुपये की फ़ीस कटेगी और 2480 रुपये आपके अकाउंट में जाएंगे। अब हम कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और दोस्तों इस ऑप्शन को कन्फर्म कर देते हैं। तो ये देखिए, हम विड्रा को कन्फर्म कर देते हैं और अब हमारे नंबर पर OTP आएगा, जिस नंबर पर हमारा यह वजीर एक्स का अकाउंट बना हुआ है। यह देखिए, हमारे इस नंबर पर OTP आ चुका है। अब जो भी OTP में कोड आया है उस कोड को हम यहाँ पर डाल देंगे और इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे। अब दोस्तों, ये देखिए, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा यह अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और हमारी ईमेल आईडी पर एक विड्रा कन्फर्मेशन गया होगा, जो कि हमें अपनी जीमेल आईडी खोलनी है और वहाँ पर आपको एक ईमेल मिलेगी जहाँ से आपको विड्रा कन्फर्म करना है। तो दोस्तों, हम अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं। यह देखिए, हमने अपनी जीमेल अकाउंट ओपन कर लिया है और यह देखिए, आपको सबसे पहले ही ईमेल आईडी मिल जाएगी विड्रा कन्फर्म के लिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यह देखिए, 2500 का विड्रा यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों, यह देखिए, यहाँ पर आपको और भी डिटेल मिल जाएंगी, 20 रुपये की फ़ीस, 2480 रुपये अकाउंट में जाएंगे। तो हम अप्रूव दिस विड्रा कर देंगे। तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा विड्रा अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, हम इस लिंक को ओपन हो जाने देते हैं जब भी हमारा विड्रा अप्रूव होगा। तो दोस्तों, हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं। दोस्तों, यह देखिए, अब हमारा यह पेज लोडिंग हो रहा है और हमारा विड्रा वेरीफाई होकर सक्सेसफुली कम्प्लीटेड हो चुका है। और दोस्तों, विड्रा वेरीफिकेशन यह भी सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमारे अकाउंट में अमाउंट पहुँच जाएगा कुछ ही देर में। तो दोस्तों, अब हम अपने वजीर एक्स के अकाउंट को खोल लेते हैं और देखते हैं वहाँ से विड्रा पहुँचा या नहीं। तो दोस्तों, हम अपने वजीर एक्स के अकाउंट में चलते हैं। यह देखिए, हम अपने वजीर एक्स के अकाउंट में आ चुके हैं। अब आपको विड्रा की ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप यह देख सकते हैं, 2480 रुपये हमारे अकाउंट में पहुँच चुके हैं। दोस्तों, हम एक बार बैक आते हैं और जहाँ पर हमारा विड्रा फंड था, देखते हैं हमारा बचा है या नहीं। तो दोस्तों, यह देखिए, यहाँ पर 3 रुपये बचे हैं, जो कि पहले 2503 रुपये थे। दोस्तों, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फिर से
तो यह देखिए हमारे यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ जाएंगी। दोस्तों यह देखिए 2480 रुपये हमारे अकाउंट में पहुँच चुके हैं, जो कि 20 रुपये की फीस कट चुकी है, हमने 2500 रुपये अकाउंट में भेजे थे। अब दोस्तों यह देखिए बैंक की तरफ से भी हमें मैसेज आ चुका है, हमारे अकाउंट में बैलेंस आ चुका है। तो दोस्तों हम इस मैसेज को ओपन करके देख लेते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2480 रुपये का बैलेंस हमारे अकाउंट में अभी आया है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से बजीरेक से अपने बैंक अकाउंट में 1 मिनट के अंदर पैसा भेज सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने अकाउंट को चेक करके दिखाते हैं हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। दोस्तों हम फिर से अपने फ़ोनपे के अकाउंट को खोल लेते हैं। अब पहले इसमें हमारे कितने रुपए थे और अब यह देखिए अब कितने रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों यह देखिए हम अपने अकाउंट को चेक करते हैं, चेक बैलेंस करते हैं, और जिस अकाउंट में हमारा अमाउंट आया है तो उस अकाउंट को हम ओपन कर लेते हैं और इसका बैलेंस चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हमारे अकाउंट में 37 रुपये थे और अब आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट में 2517 रुपये हो चुके हैं। दोस्तों जो 2480 रुपये हमारे अकाउंट में आ चुके हैं और टोटल 37 रुपये पहले के, तो इसमें 2517 रुपये हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में।